press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जिससे हम आज एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। ये 6 नंबर की आती है, तो 6 नंबर के अंदर ये 3+3 में दो क्वेश्चन पूछ लेता है या एक अकेला क्वेश्चन है वो 6 में पूछ लेता है। पिछली बार जो है 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा था, उससे पिछले साल 3+3 में दो पूछे थे। तो इसके ओपन शॉर्ट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पूरा कोर्स अपने को कम्प्लीट करना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे आपने एक्सरसाइज 4th के अंदर पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक को जब आप एक प्लेन के अंदर उसको दर्शाते हो, तो यहाँ पे ये लेट्स एक्स ओ एच डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ये एक्स ओ एच डैश है और ये वाई ओ वाई डैश, बी टू परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों ही लंबवत लाइन है इन प्लेन एक समतल के अंदर, विच इंटरसेक्टिंग इच अदर एट पॉइंट ओ, जो कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, दीज लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो लाइनें होती है ये निर्देशांक एक्सिस कहलाते हैं, एंड ओ इज ओरिजन, और ये ओ है ये मूल बिंदु कहलाता है, और ये जो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश है आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो ये है रेक्टेंगुलर एक्सिस कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो एक्स, ये जो पी बिंदु है, इसके निर्देशांक एक्स और वाई है। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक है उसको अपने भुज बोलते हैं, अपसिका बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को अपन कोटि बोलते हैं। तो एक्स निर्देशांक को तो इस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस वाई कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से अपन जो निर्देशांक है वो प्लेन के अंदर दर्शाते हैं। अब सेकंड, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट, जो चतुर्थांश होते हैं इनमें जो निर्देशांकों के जो चिन्ह होते हैं वो 8th क्लास के अंदर ये एक्सरसाइज के अंदर है, तो वहां आपने वैसे पढ़े हुए होंगे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों ही प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स की वैल्यू आती है तो ये माइनस की, वाई की वैल्यू आती है ये तो ये प्लस की। तो एक्स का माइनस का होता है और वाई का प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ के अंदर ये एक्स वाला जो है ये पॉजिटिव और ये वाई वाला नेगेटिव होता है। तो इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये आप पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फॉर्मूला जो 9.1 एक्सरसाइज पूरी में ये लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग पूरी 9.1 एक्सरसाइज है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये फॉर्मूला वैसे ड्राइव करना होता है, तो अभी जो ड्राइव करना फॉर्मूला एग्जाम में तो आता नहीं है, ये 11th क्लास के अंदर है जहाँ पे इसको ड्राइव भी किया हुआ है। तो जो फॉर्मूला क्या है, अगर दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट, अगर एक पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हो तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखते हो, लेकिन जब आप दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक को एक्स वन वाई वन, दूसरे को एक्स टू वाई टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब पी क्यू की जब आपको डिस्टेंस निकालनी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट में से दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में और वाई वाले कोऑर्डिनेट, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया है दूरी सूत्र, जो कि पूरी 9.1 एक्सरसाइज में ये लगेगा। तो इसको आप लैंग्वेज में ऐसे याद रख सकते हो, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स निर्देशांक है उनका अंतर का स्क्वायर माइनस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आप x1 में से x2 माइनस करके लिख सकते हो या x2 में से x1, क्योंकि होल स्क्वायर करते हो तो इन दोनों में से आप कोई भी माइनस करके स्क्वायर कर सकते हो। जैसे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो आप, चाहे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, दोनों ही इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे इनका होल स्क्वायर हो रहा है इसलिए दोनों इक्वल है। अगर ओनली 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 होता तो इक्वल नहीं होते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करो, चाहे x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करो, दोनों से आंसर सही होगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये दूरी सूत्र है, ये आपको 9.1 में याद रखना है। अब स्पेशल केस के अंदर अगर डिस्टेंस ऑफ p x y फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन यानी मूल बिंदु से, अगर आपको p बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करवाए, तो जैसे p बिंदु है x y इसके निर्देशांक है और दूसरा है ये o मूल बिंदु है जिसके 0 0 निर्देशांक है, तो p o की जो दूरी आप ज्ञात करोगे
तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x में से 0 माइनस करोगे तो x ही आएगा, तो OP जो दूरी है वो आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये एक दो क्वेश्चन में अपन लगाएंगे कि किसी भी बिंदु की आपको अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो उन दोनों निर्देशांकों के स्क्वायर करके और उनका योग कर दीजिए और उसका आप वर्गमूल या स्क्वायर रूट कर दीजिए तो वो उसकी मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अंतः और बाह्य विभाजन जो दो सूत्र है ये दोनों 9.2 के अंदर लगेंगे। तो अंतः विभाजन सूत्र के अंदर अगर दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक x1y1 और x2y2 दिए गए हैं, अगर कोई बिंदु पी उनको m1 अनुपात m2 में m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, तो इस पी बिंदु के जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, अपने इसको ट्रिक से याद रखेंगे। देखो P का जब आप x कोऑर्डिनेट x निर्देशांक करोगे तो साइड के अंदर यानी आपको x फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई तो हमेशा ही दोनों ही x वालों से ही करना है आपको, यानी y वालों का भी यूज नहीं होगा जब x वाले, तो इन दोनों x वालों का आपको यूज करना है x1 और x2 का। जब आप x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई याद रख लो, ये आपको एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम ऐसे बना लेना आपको, उसके बाद में आप इनका ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो m1 देखो लेफ्ट साइड वाले का मल्टीप्लाई इधर राइट साइड वाले से करना है ऐसे तिरछा, तो m1 का x2 से मल्टीप्लाई करना है और m2 का x1 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ y आपको जब फाइंड आउट करना है तो अब की बार दोनों y वाले लेने हैं, m1 का मल्टीप्लाई y2 से, m2 का मल्टीप्लाई y1 से, यानी 1 आएगा तो दूसरा 1 नहीं आएगा 2 होगा, m1 है तो x2 है, y1 है तो m2 है, m1 है तो y2 है, इन 1 के साथ 1 और 2 के साथ 2 कभी नहीं होगा, ये दोनों अल्टरनेट रहेंगे। अगर m का 1 है तो x वाला ये 2 है, तो ये फॉर्मूला वैसे ड्राइव किया हुआ है बुक के अंदर, अभी अपने को फॉर्मूला ड्राइव नहीं सीखना है क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है। दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर अगर a और b को p ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यानी p है वो a और b से बाहर है ये बिंदु, तब आपको इन दोनों के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, अब की बार दोनों में ये माइनस लग जाएगा, फॉर्मूला वो सेम रहेगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y का m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, तो ये हो जाएगा y का और ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब ये स्पेशल केस है, ये अगर a b को जॉइंट करने वाले का अगर p पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो मध्य बिंदु हो तो ये इसको 1:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो आपको इस P बिंदु के जब निर्देशांक ज्ञात करने हैं कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट ऑफ AB तब इसका उसी फॉर्मूले से इंटरनली डिवीजन वाले फॉर्मूले से अंतः विभाजन वाले सूत्र से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट का वो फॉर्मूला, ये m1 की वैल्यू है ये m2 की वैल्यू है तो दोनों ही 1:1 है, तो जो आप फॉर्मूला लिखते हो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के अंदर वैल्यू पुट कर दो, m1 और m2 की 1:1, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो ये x2 ही रहेगा, अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो x1 का 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये x1 रहेगा अपॉन में 1 प्लस 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है वो मिड पॉइंट है P, तो दोनों ही x कोऑर्डिनेट को आप सम करके और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। दूसरा अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इसी ट्रिक से y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये मिड पॉइंट ऑफ AB के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी अपने को कई क्वेश्चनों में लगाना है जिसमें आपको कह देगा कि किसी भी सर्कल है उसके जो व्यास है उसका जो डायमीटर है उसके दोनों सिरों के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपको कह दिया सेंटर का फाइंड आउट करो, तब आपको यहाँ पे वो मिड पॉइंट बोलेगा नहीं, आपको खुद को पहचान करनी है कि जो सेंटर होता है तो डायमीटर या व्यास का मध्य बिंदु होता है,
तो वहां पर आप ये मध्य बिंदु फार्मूला लगाओगे एक्सरसाइज के और इसके एग्जांपल पर मैन करते हैं तो सेकंड एग्जांपल है इफ टू इनसाइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स यानी दो ए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो आप इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो इसको अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे अब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 2a आपको दे रखी है तो इसकी ये तीनों साइड 2a हो गई तो ये जो है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक तो हो गया 0 0 तो आपको एक निर्देशांक तो इसका मिल गया है कोऑर्डिनेट मिल गया है o का अब सेकंड a का कोऑर्डिनेट आप यहां पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कैसे कि ये डिस्टेंस जब 2a है तो 2a डिस्टेंस है तो x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है आपके पास और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 2a, 0 a के निर्देशांक हो गया 2a, 0 अब o और a दोनों के निर्देशांक आ चुके हैं आपके पास अब बचा है b के निर्देशांक तो देखो b का अपन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या रचना करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे b से तो b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक लंब इसमें खींचेंगे तो इसका नाम हो गया जैसे C पॉइंट हो गया ये तो आप यहां पे जो BC है वो किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो A पे तो ड्रॉ A परपेंडिकुलर BC ऑन OA आपने एक लंब खींचा है लंब किस पे खींचा है BC है वो OA पे लंब खींचा है अब इसके अंदर जो आपको गिवन क्या था कि जो ट्रायंगल OAB है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके जो निर्देशांक है OAB एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो OA की वैल्यू OB की वैल्यू और ये AB तीनों की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 2a क्योंकि ये 2a इसकी साइड दे रखी है आपको अब यहां इस C पॉइंट जब इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो यानी समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में जब आप लंब खींचते हो तो वो लंब सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है यानी वो उसका मध्य बिंदु होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो C पॉइंट है वो क्या हो गया मिड हो गया C है वो मध्य हो गया तो C के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हो देखो C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी ये पूरी 2a है तो कितनी होगी ये c तक a डिस्टेंस हो गई है तब इस c के कोऑर्डिनेट क्या होगा x कोऑर्डिनेट तो a हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है तो c के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0 अब अपन यहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला है फार्मूला वो यूज कर सकते हैं बोडाइन थ्योरम तो बोडाइन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं एक तो OCB बन रहा है एक ABC बन रहा है तो आप दोनों में किसी में भी अप्लाई कर सकते हो तो भाई बोडाइन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल है जैसे आप इसको ले रहे हो तो OBC के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो इसमें कर्ण कौन सा है कर्ण है इसमें OB है तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो इसमें कौन सा है BC का स्क्वायर है और बेस कौन सा है इसमें OC का स्क्वायर है तो इनकी जो वैल्यू लिख देंगे OB की जो वैल्यू है वो कितनी है 2a का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू BC तो BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और OC का स्क्वायर तो OC की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर तो ये हो गया 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर ये a स्क्वायर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो गया इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अब ये हो गया माइनस करने पर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अब आप यहां पे BC की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में 3a स्क्वायर हो गया तो ये रूट है ये 3 पे तो लग गया a स्क्वायर का रूट कितना हो गया a यानी आपके पास जो BC की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है √3a आ गई है तो इसके मतलब आप यहां पे ये जो इसका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये जो डिस्टेंस है ये हो गई है √3a हो गई है यहां तक अब आपको इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखो B पॉइंट है वो कार्टेशियन फॉर्म के अंतर्गत
इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, ये एक्स वाली डिस्टेंस आपके पास पड़ी है ये कितनी है ए है, और ये डिस्टेंस आपके पास आ चुकी है रूट थ्री ए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए या निर्देशांक हो गए है ए कोमा रूट थ्री ए, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं ए कोमा रूट थ्री ए, तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए हैं, ओ का जो कोऑर्डिनेट था ओ का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2a,0 और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो ए कोमा रूट थ्री ए, तो ये 3 नंबर में आए तो इक्वेशन पूछ सकता है, तो इस तरह से अपन इसको करेंगे। तो मैंने लिख तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और साथ साथ इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ,